नमस्कार दोस्तों दोस्तों कुछ ही दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था पानीपत की तीसरी लड़ाई पे। आई होप आपने वो वीडियो देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें जो ऊपर दिए गए लिंक पे आपको बताया जा रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई का अभी एक दो दिन पहले का ही वीडियो है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पानीपत 3 पर एक जो मूवी आने वाली है उसका ट्रेलर कुछ ही दिनों पहले आया हुआ है। मैंने आज एक्चुअली वो ट्रेलर देखा तो मुझे ऐसा दिमाग में आया कि क्यों ना इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर प्ले किए गए हैं और जो सीन लिए गए हैं उनका एक्चुअल पानीपत की लड़ाई से क्या लिंक है और आपको वो चीजें कैसे समझ में आएंगी। और आप जब समझ जाओगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार समझने के बाद आप उसे अच्छे से याद रख पाओगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई को। उस ट्रेलर के सीक्वेंस के सीन की सीक्वेंसेस हैं उनको आप एक एक करके जैसे ही देखोगे। एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, इलस्ट्रेटिव वे में जब हम कोई चीज देखते हैं वो हमें ज्यादा समय तक याद रखती है। दोस्तों मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं सूरज के क्लासेस। आज हम बात करने वाले पानीपत की तीसरी लड़ाई के ट्रेलर के बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि हम पानीपत की जो ट्रेलर है उसका एक एंटरटेनिंग वीडियो बनाने वाले हैं या फिर जिस तरह से उसका एक रिव्यू दिया जाता है और कास्टिंग बताई जाती है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या है, वो हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा मान रहे हो कि आपको उस तरह का एंटरटेनमेंट इस वीडियो में मिलेगा, प्लीज आप इस वीडियो को क्लोज कर दो, हमारी कोई दूसरी वीडियो देख लो जिससे आपको हेल्प हो जाए। क्योंकि हम आज बात करेंगे पानीपत के ट्रेलर का, जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करेंगे कि कौन से जो एंगल में कौन से कैरेक्टर को लिया है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है और उस पिक्चर में किस तरह से उसे बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर आप अगर शुरुआत में देखोगे तो आपको उसमें दिखेगा कि मराठाओं को युद्ध के मैदान में दिखाया गया है। अब दोस्तों ये उस समय की बात है जब मराठा 1707 के बाद छत्रपति शिवाजी का जो संपूर्ण स्वराज का सपना है वो पूरा कर रहे थे और मराठाओं की जो ताकत थी, मराठाओं का भगवा जो परचम था वो बुलंदी पर था। दोस्तों इस समय सदाशिव भाऊ युद्ध के मैदान में लड़ते हुए दिखाए जा रहे हैं और अपनी अपार सूरता का प्रदर्शन करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों वो सीन हो सकता है जब सदाशिव भाऊ को उदवगीर में निजामों के खिलाफ भेजा गया था और उन्होंने जीत हासिल की थी। ट्रेलर में आप आगे बढ़ोगे आपको देखने को मिलेगा कि सदाशिव भाऊ और दो योद्धा और हैं जो साथ में चल रहे हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि सदाशिव भाऊ को अपनी जो एक वीरता के लिए सम्मानित किया जा रहा है। ये सीन तब का हो सकता है जब बाजीराव के जो सभाखंड है उसमें उन्हें सम्मानित किया गया है उदवगीर की लड़ाई में जीत के लिए। अब आगे बढ़ेंगे ट्रेलर में तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बालाजी बाजीराव है वो कह रहे हैं कि हम आज पूरे भारत के जो सम्राट बन गए हैं। ये दो कारणों से ऐसा कह सकते हैं, एक रघुनाथ राव जो 1757 में जिन्हें उत्तरी क्षेत्र में विजय हासिल करने को भेजा था, पंजाब और उनके आसपास के इलाकों में उन्होंने जो भगवा परचम है लहरा दिया, काफी अच्छी जीत हासिल की, और दूसरे उदवगीर में सदाशिव भाऊ उन्होंने भी जीत हासिल की थी। तो ऑलमोस्ट भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वहां मराठाओं का साम्राज्य हो चुका था, इस वजह से उन्होंने ये बात कही होगी। ट्रेलर में आगे बढ़ोगे तो आपको पार्वती बाई दिखाई देंगी। पार्वती बाई सदाशिव भाऊ की दूसरी पत्नी थी। सदाशिव भाऊ की दूसरी पत्नी का रोल यहाँ पर कीर्ति सैनन कर रही है, सदाशिव का रोल कर रहे हैं अर्जुन कपूर। कीर्ति सैनन के रोल में आप देखोगे कि वो कुछ जो पिक्चर है तो मिर्च मसाला तो होता ही है, डायलॉग आप सेम टू सेम जरूरी नहीं है हिस्ट्री में उस तरह के होंगे, लेकिन पार्वती बाई जो हैं वो सेकंड मैरिज हुई थी उनकी सदाशिव भाव की पहली पत्नी से, उन्हें दो पुत्र थे जिनका नाम था उमाबाई। उमाबाई की जो डेथ है वो 1750 में हो चुकी थी, इसके बाद उन्होंने दूसरी मैरिज की उनकी सेरेमनी भी वहां पर दिखाई गई है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हो ट्रेलर में तो आपको देखने को मिलेगा कि जो दो मुगल दिखाई जा रहे हैं यहाँ पर, दो मुगल हैं, उनमें से एक के जो पोशाक है उससे वो लग रहा है कि वो राजा है। वो अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि आज भारतवर्ष में मराठाओं के खिलाफ जाने वाला कोई भी योद्धा नहीं है। दोस्तों यहां पर आप देखोगे कि
जो मराठाओं के खिलाफ जाने वाला योद्धा नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया, मराठाओं का साम्राज्य ऑलमोस्ट फैल चुका था पूरे भारत में। तो अब दूसरे जो उनके बगल में जो सेनापति लग रहे हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि अहमद शाह अब्दाली है और वो मराठाओं का सामना कर सकता है, धूल चटा सकता है। आगे ट्रेलर में बढ़ते हैं तो अहमद शाह अब्दाली का रोल जो संजय दत्त कर रहे हैं, अपने शिविर से बाहर आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, एंट्री हो रही है उनकी। और अहमद शाह अब्दाली के बारे में ऐसा बैकग्राउंड में कहा जा रहा है कि पहले जब वो आया था तब उस 7 दिनों तक यमुना का पानी लाल था। दोस्तों यहाँ पर ट्रेलर में ये बात कहने का मतलब ये है कि अहमद शाह अब्दाली सन 1747 से सन 1753 तक उन्होंने पंजाब के आसपास के इलाकों में काफ़ी लूटपाट की थी और फिर अफगानिस्तान चला गया था। उस समय अहमद शाह अब्दाली अपना जो खौफ है वो पैदा कर गया था भारत में, इसी वजह से जो मुगल हैं वो कह रहे हैं अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को हरा सकता है, उन्हें परास्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं ट्रेलर में तो अहमद शाह अब्दाली के कुछ वर्डिंग्स, कुछ डायलॉग्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। वो ऐसा कह रहा है कि जो ये मोर तख्त और कोहिनूर बड़ी मशक्कत से पाए जाते हैं, छीनने से नहीं मिलते। अब मैं आपको बताता हूँ कहानी जो मोर तख्त और कोहिनूर की, क्या कहानी। कोहिनूर एक्चुअल में हिंदुस्तान में था, नादिर शाह जो हिंदुस्तान से कोहिनूर को लेके चले गए, ठीक है, नादिर शाह यहाँ से लूट कर कोहिनूर और 100 करोड़ जितनी प्रॉपर्टी लेके नादिर शाह यहाँ से चला गया। अब नादिर शाह के पास ये कोहिनूर था और ये मोर तख्त था। नादिर शाह की डेथ होती है सन 1747 में। उस समय जो ये अहमद शाह अब्दाली है, नादिर शाह का काफी खास आदमी था, बहुत भरोसा करता था नादिर शाह उस पर। अब माना ऐसा जाता है, कुछ हिस्टोरिकन ऐसा मानते हैं कि नादिर शाह ने खुद अहमद शाह अब्दाली को ये कोहिनूर भेंट किया था और नादिर शाह की डेथ हुई थी, उनके कुछ जो गार्ड हैं उन्होंने उसे मार दिया, कुछ कहते हैं उनकी पत्नी ने उन्हें मारा, ये एक मिस्ट्री है कैसे उनकी डेथ हुई। लेकिन नादिर शाह के बाद ये कोहिनूर ट्रांसफर होता है अहमद शाह अब्दाली को। इस सीन में हमको दिखाया गया है कि अहमद शाह अब्दाली शायद किसी को मारकर वो कोहिनूर और मोर तख्त ले रहे हैं। अब पॉसिबल है कि वो शायद जो नादिर शाह को मारने वाले गद्दार थे उनको मारकर वो कोहिनूर और मोर तख्त ले रहे हैं। चलिए, ये तो आने वाले समय में जब मूवी आएगी तब पर हमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर रियलिटी क्या है। आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं हमें वहां पर दिखाई देता है कि जो ये सदाशिव भाऊ हैं अपने शिविर में एक योजना बना रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि हमें अब उसे रोकना होगा, अहमद शाह अब्दाली को रोकना होगा। अहमद शाह अब्दाली ऑलमोस्ट आ चुका है दिल्ली में और वो जो है अपना शासन जमाने की कोशिश करता जा रहा है। अब अहमद शाह अब्दाली जब आ चुका है और उसे रोकना होगा, ये ऑर्डर दे रहे हैं तब जब वो बालाजी बाजीराव ने उन्हें कहा होगा अहमद शाह अब्दाली को रोका जाए। तो अब इसके बाद इंसिडेंट एक और आता है जो काफी लाजवाब है। अहमद शाह अब्दाली कह रहा है कि हम मराठों का सफाया कर देंगे। उसके बाद सिक्वेंस में ही तुरंत ही डायलॉग आता है कि तो फिर हमारी बंदूक है आपकी। अब देखने वाली बात यह है कि अहमद शाह अब्दाली जो संजय दत्त के सामने जो दो लोग खड़े हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ट्रेलर में तो जिसने कहा है बंदूक है आपकी वो तो सामने था ही नहीं, वो आया बाद के सीन में। तो यहाँ पर मेरा ऐसा अनुमान है कि जो जिसने कहा है बंदूक है आपकी वो है इब्राहिम खान गर्दी जो मराठाओं की तरफ से लड़ा था और उसने मराठाओं को फ्रांस से निर्मित बंदूकें और तोपें दी थी और उसका एक बहुत बड़ा रोल था पानीपत के तीसरे युद्ध में। चलिए कोई बात नहीं, ये तो मूवी आने के बाद क्लियर हो जाएगी ये चीज भी। आगे जैसे ही आप बढ़ोगे तो ट्रेलर में आपको देखने को मिलेगा कि अहमद शाह अब्दाली कह रहा है कि अब हमारे बीच कोई दरिया नहीं है और सामने से डायलॉग आ रहा है सदाशिव भाऊ का, हमारे बीच बस ये पानीपत का जो मैदान है, रणभूमि है। तो ये दरिया की जो बात कही है, अगर आप ध्यान से ट्रेलर में देखोगे तो नीचे कैप्शन में लिखा था रिवर। दरिया का मतलब हम एक्चुअली क्या समझते हैं कि समुद्र या बहुत बड़ा जो पानी का स्रोत है, लेकिन यहाँ पर दरिया जो अहमद शाह अब्दाली है वो नदी को संबोधित कर रहा है। एक्चुअल में हुआ क्या था इंसिडेंट कि अहमद शाह अब्दाली यमुना के उस पार था और यहाँ पर सदाशिव भाऊ ने कुंजपुरा पर हमला कर दिया था और ये बात अहमद शाह अब्दाली को पता चली। अहमद शाह अब्दाली अर्जेंटली क्रॉस करना चाहता था लेकिन यमुना नदी उस समय उफान पर थी तो क्रॉस कर नहीं पा रहा था। फिर भी बड़ी मशक्कत से उसने जब यमुना नदी को क्रॉस किया है तो वो सीन आई थिंक उससे लिंक हुआ है। वो जब क्रॉस कर चुका है यमुना को तब वो कह रहा है कि अब हमारे बीच कोई नदी यमुना नदी नहीं है, अब हमारे बीच सिर्फ पानीपत की ये रणभूमि है, अब हम तो बस चढ़ाई करेंगे, लड़ेंगे, ठीक है। एक डायलॉग और आता है कि आप बस मराठाओं को हरा दो और पूरा भारतवर्ष आपका। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, दो गद्दार थे, एक था जो अवध का सुजाउद्दौला और दूसरा था एक रोहिल्ला के
जो नजीबुद्दौला, हो सकता है ये उन दोनों गद्दारों में से कोई एक रोल प्ले कर रहा हो जिसने कहा है कि आप अगर आप मराठों को हराते हो पूरा भारत हो हम आपको दे देंगे। ठीक है, अब जैसे ही इसमें आप ट्रेलर में आगे बढ़ोगे लास्ट में बस लड़ाई मारकाट दिखाया जा रहा है और कुछ ट्रेलर में इतना खास नहीं दिखाया गया, बस एक डायलॉग जो है लास्ट में है कि तुम क्या इस छोटे जमीन के टुकड़े के लिए, अहमद शाह अब्दाली सदाशिव भाव को कह रहे हैं कि अपनी जान दोगे, तो वो कहते हैं कि मैं एक कण के लिए भी जान दे सकता हूं। तो ये हो सकता है कि जो अहमद शाह अब्दाली जो मराठाओं से छीन चुका है जो लैंड, उनको पाने के लिए ये शायद सदाशिव भाव ने एक डायलॉग फ्रेम कर लिया है कि मैं उनको पाने के लिए एक कण को भी अपनी जमीन के लिए। अब थोड़ा बहुत पिक्चर है, देखो मिर्च मसाला होता है, हिस्ट्री से आप बिल्कुल लिंक कभी नहीं कर पाओगे, तो डायलॉग उसको लेके। ओवरऑल ट्रेलर अच्छा था, आई होप मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आप लिंक कर चुके होंगे, अगर नहीं देखा है तो जब भी आप देखोगे ट्रेलर तब आपको पता चलेगा कि जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो सारे लिंक हो रहे हैं और आपको ये पूरी हिस्ट्री एक अलग वे में स्टोरी की तरह आप पूरी याद रख पाओगे और आपको जो है चीजें किताबों को पढ़ने से या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम जस्ट सुन लें किसी को, तो आप चीजों को देखो सुनो पढ़ो तब तीनों चीजें होंगी तो आपको अच्छा बेटर वे में समझ में आता है और याद रहता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम।